Hello dear students, welcome to English class. So we are studying nouns and we have already studied what is proper noun. Now today we are going to study the next two nouns, that is the common noun and the collective noun. So first of all, let's take common noun. Now what is common noun? A common noun does not point a particular person, place, animal or thing, but it points out the common person, place, animal or thing. इट मीन्स कि कॉमन का मतलब होता है जो टर्म हम कॉमनली यूज करते हैं सभी के लिए, सभी को उससे ही डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक बॉय, मैन, वुमेन, कार, ग्रैंडफादर, टीचर, डॉक्टर, बुक, टेबल, विंडो. तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये कॉमन नाउन है क्योंकि हम ये कॉमनली यूज करते हैं सभी चीजों के लिए, है ना. ऑन द अदर हैंड अगर हम इनका कुछ कुछ ना कुछ नाम देते हैं, सपोज डॉग मैंने कहा, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल डॉग तो वो कॉमन नाउन है. लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ टॉमी, तो टॉमी इज अ प्रॉपर नाउन. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर. ओके, नेक्स्ट इफ आई से बॉय, सो खाली जो बॉय जो टर्म है दैट इज अ कॉमन नाउन. बट इफ आई से, इफ आई गिव हिम अ नेम लाइक रोहित, देन इट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके, नेक्स्ट इफ आई से सिटी, सो सिटी इज अ कॉमन नाउन बिकॉज सिटी इज अ टर्म दैट इज यूज फॉर एवरी सिटी. बट इफ आई से लाइक मुंबई, सो मुंबई क्या है, ये सिटी है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर एंड द कॉमन नाउन. लाइक वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई से लाइक रिवर, सो रिवर जो है नदी, ये कोई भी हो सकती है, तो इट इज अ कॉमन नाउन. बट इफ आई से गंगा, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है. सो कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं अनटिल एंड अनलेस दे फॉल इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. इट मीन्स अगर कॉमन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं लेकिन कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं. लेकिन अगर वो सेंटेंस के बिगनिंग में है तो हम उन्हें कैपिटल लिखेंगे. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर इज दैट प्रॉपर इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स एंड द फर्स्ट इनिशियल इज कैपिटल एंड द कॉमन नाउन इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स. क्लियर? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉमन नाउन, द वर्ड और द टर्म दैट आई यूज कॉमनली फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो भी टर्म हम कॉमन इंसानों के लिए या कॉमन जगह के लिए या कॉमन चीजों के लिए हम यूज करते हैं वो कॉमन नाउन है. फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स लाइक हाउस, कार, डॉग, डोर, बोट, डेस्क, बेबी, बोट. अनदर पिक्चर्स लाइक कैट, मैन, फर्नीचर, बॉय, हाउस, फ्लावर, फ्रूट, एनिमल्स. तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं इनमें जो भी टर्म्स हैं ये कॉमन नाउन है. क्लियर? नेक्स्ट लेट अस टेक अस कलेक्टिव नाउन. नाउ कलेक्टिव नाउन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इसके वर्ड्स नाम से ही हमें समझ में आता है कि किन्हीं चीजों का कलेक्शन या फिर किन्हीं चीजों का ग्रुप. ओके, दैट इज कलेक्टिव नाउन. ओके, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है, है ना, तो भीड़ नाम दिया गया है. वैसे ही इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो, या बहुत सारे टर्म्स हैं जो अलग अलग इंसानों के ग्रुप्स को या एनिमल्स के ग्रुप्स को या फिर चीजों के ग्रुप्स या कलेक्शंस को, उनको एक कुछ टर्म्स दिए गए हैं. ओके, सो अ नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक लाइक बंच ऑफ कीज, ओके, चाबी का गुच्छा जैसे हम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बंच ऑफ बनानास, है ना, और बंडल ऑफ स्टिक्स और बंडल ऑफ बुक्स. देन स्वार्म ऑफ बीज, बीज के कलेक्शन को या बीज के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं. नेक्स्ट इज लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स, सो फ्लावर्स के बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह जब इकट्ठा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स. ओके, सो इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हैं जो अलग. नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक अ पैक ऑफ थीव्स, अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, अ टीम ऑफ वर्कर्स. सो वर्कर्स का जहां ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, टीम.
सिमिलरली इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स तो हम उसे भी टीम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, अ गीगल ऑफ गर्ल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स, अ जू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जाम्पल्स यू हैव सीन दैट डिफरेंट टर्म्स इज अटैच्ड टू द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्संस. ओके, सो नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, वॉट इज कॉमन नाउन एंड वॉट इज कलेक्टिव नाउन. Now let me ask you some questions, okay? So together we are going to solve some examples. इससे आपको भी revision हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा है, और मैं आपको test भी कर लूँगी कि आपको कितना समझ में आया. Okay? So some examples like the first one is Jack is a good boy. So here which is a common noun and which is a proper noun? Yes, the boy जो term है that is a common noun. बिकॉज ये हम टर्म सभी के लिए कॉमनली यूज करते हैं. ऑन द अदर हैंड द वर्ड जैक इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट्स अ नेम गिवन टू बॉय, ऑल्सो इट इज रिटन एंड कैपिटल, सो इट इज प्रॉपर नाउन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, गंगा इज अ होली रिवर. सो यहां पर कॉमन नाउन क्या होगा? यस, रिवर इज अ कॉमन नाउन. एंड वॉट इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस? इट इज गंगा. ओके, नेक्स्ट, Miss Brown lives in a village. So here common noun is, yes, can you identify? Yes, the correct one is village is a common noun. क्योंकि village का मतलब होता है गांव, और ये जो term है हम ये सभी villages के लिए use करते हैं. Next, Miss Brown जो है ये क्या होगा? That is proper noun. Next example, January is the first month of the year. Now in this sentence, again you have to tell me what is common noun? Yes, the word month is a common noun. Whereas, जो January है वो क्या है? वो होगा proper noun. Next one, Rhea is a smart girl. Again, in this sentence, you have to identify which is a common noun and which is a proper noun. So, the right answer is, girl is a common noun. On the other hand, Rhea जो नाम है वो क्या है? वो proper noun है because it's a name of a girl. Next, my father is busy. So here, is there any proper noun? क्या यहाँ इस sentence में कोई proper noun है? No, there is no proper noun, but there is one common noun. And which one it is? It is father. Father जो है ये क्या है? ये common noun है, क्योंकि ये term हम सभी father के लिए use करते हैं. Next is, his grandmother is very old. Again in the sentence, is there any proper noun? No, there is no proper noun, there is only common noun, and that is grandmother. Next one is, the doctor advised me to take some rest. So, यहाँ पर common noun कौन सा होगा? Doctor. Because doctor जो term है, हम वो generally सभी doctors के लिए use करते हैं. It's a generic term given to all the doctors. Okay? So, in this way, you can differentiate between proper noun and common noun. So proper noun, in proper noun we talk about one particular thing, we point out one particular person, animal, place or thing. And common noun में क्या होता है? ये जो term है हम commonly use करते हैं सभी के लिए, वो common noun होता है. So I hope that you can now differentiate between the two. Now let's solve some examples. Let me test you, have you understood or not what is collective noun. So here are some examples. Please pick up the pack of cards. अब आपको इसमें से बताना है कि collective noun कौन सा है. Yes, the correct answer is pack. Okay, so जहां cards होते हैं ना, उनके groups को या उनके collection को हम क्या बोलते हैं? Pack. Pack of cards. तो here the word pack is a collective noun. Next is, a pride of lions lived in the gir forest. So यहां पर collective noun कौन सा होगा? Pride. Next is, a gang of robbers attacked the merchants. So which is the collective noun in this sentence? You have to tell me. So the collective noun is gang. Okay? So robbers ke gang ko hum, sorry, robbers ke hum groups ko kya kehte hain? Gang. So robbers ke jo group, robbers ka jo group hota hai, usse hum kya kehte hain? Gang. So here the term gang is a collective noun. Next is,
अ बुके ऑफ फ्लावर्स वॉज प्रेजेंटेड टू मिसेस ब्राउन. अब इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कौन सा है? यस करेक्ट, इट इज बुके. ओके नेक्स्ट इज अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल. अगेन हियर द कलेक्टिव नाउन इज बंच ऑफ कीज. कीज के ग्रुप को या कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बंच. बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है और बंच ऑफ बनानास भी होता है. ओके एंड द लास्ट एग्जाम्पल, अ मॉब ऑफ पीपल अटैक द थीव्स. मॉब ऑफ पीपल मीन्स क्राउड ऑफ पीपल. ओके सो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा? मॉब. मॉब ऑफ पीपल अटैक द थीव्स. ओके सो स्टूडेंट्स, अब मुझे लग रहा है कि आपको कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इनमें डिफरेंस पता चल गया और इनका मतलब भी समझ में आ गया और आप बहुत ही आसानी से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो. नाउ वंस अगेन लेट मी रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न. अ प्रॉपर नाउन पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को पॉइंट आउट करते हैं. इससे हमें पता चलता है हम पर्टिकुलर किसके बारे में बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक राम, गंगा, पेरिस, बगड़िया बाल विद्या निकेतन, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं. और जो कॉमन नाउन है ये पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, ये कॉमन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं. कॉमन पर्सन, कॉमन एनिमल्स, कॉमन प्लेस या कॉमन पर्सन्स को. ओके और कलेक्टिव नाउन जो है ये वो टर्म्स हैं जो इट इज दे आर द टर्म दैट इज गिवन टू कलेक्शंस एंड ग्रुप्स ऑफ पर्सन और एनिमल्स और थिंग. क्लियर? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थ्री नाउन्स स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड रिवाइज द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट नाउन्स विद एग्जाम्पल्स. ओके दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.